आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको रोना आ रहा है, आप रो ही जा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्यों रो रहे हो? ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेट मी शेयर इट विद यू। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज मनु एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट मी शेयर माई स्टोरी विद यू। दिस पास्ट वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, हम लोग अराउंड 8 फैमिलीज 400 to 450 किलोमीटर्स ऑटवा के पास वाइल्ड वाटर राफ्टिंग के लिए गए। तो हमारी जो फैमिली थी, मैं और मेरे हस्बैंड, वी वर द लास्ट वन टू डिसाइड। तब तक हमने दो राफ्टर्स बुक किए थे और सिर्फ एक राफ्टर में एक ही जगह खाली थी। तो मैंने कहा कि चलो मेरे हस्बैंड मुझसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे, तो आई लेट हिम गो एंड इट वॉज माई डिसीजन। उनको नहीं पता है कि उसमें दो या एक जगह जो भी खाली है, बट आई एंड ही ओनली न्यू दैट ही वॉज गोइंग। तो हम फ्राइडे को गए, हमने खूब फन किया जाके, हम लोग होटल में रुके, हमने स्विमिंग पूल में खूब फन किया। और दूसरे दिन राफ्टिंग का था, तो वहाँ से हम लोग होटल से अराउंड हाफ किलोमीटर, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, लाइक हाफ एन आवर की ड्राइव पर हम लोग राफ्टिंग के लिए गए। तो हम राफ्टिंग का जो था वो अराउंड 4 to 5 आवर्स का था। तो जो एक दो फ्रेंड्स जिनको थोड़ा हेल्थ इश्यूज था, वो और मैं नहीं गए, बाकी सारे फ्रेंड्स चले गए, लेकिन मेरे अंदर से जाने को बहुत मन था। तो बट आई वॉज फाइन। तो हम लोग ने वहाँ, वो लोग तो चले गए और हम लोग वहाँ पर बीच साइड पे बैठ के हमने बातें करी और पानी के किनारे, इट वॉज नाइस एंड आई वॉज ऑल फाइन, राइट। तो क्या हुआ, अराउंड 7 or 8 o'clock जब उनका राफ्टर वापस आया, सारे मेरे फ्रेंड्स वापस आए एंड All of them started saying कि they missed me। तो सब ने आके कहना शुरू किया, तुम होती तो बहुत ही अच्छा लगता, we really missed you। और उसमें पता है जगह खाली थी, तुम आ सकती थी। तो they were all telling me and I was fine by that time। हमने 8 o'clock, 8, 9 o'clock हम बैग गए होटल, हमने डिनर किया एंड आई वॉज ऑल गुड। तो जब मैं 10 बजे करीबन अपने कमरे में आई, तो मेरे हस्बैंड तब तक सो चुके थे, तो जब मैं कमरे में आई तो I was feeling वेरी डाउन एंड वेरी लाइक नॉट अलाइंड। तो मैंने कहा चलो मैं शॉवर लेके ना थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। तो मैंने लॉन्ग वार्म शॉवर लिया और उसके बाद मैंने एक घंटे का टाइमर सेट किया मेडिटेशन के लिए। और जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो आई केप्ट क्राइंग, आंसू मेरे गिरे जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ, मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी मैं एक घंटा बैठी रही एंड आई वॉज सॉबिंग एंड आई वॉज ब्लोइंग माई नोज एंड आई वॉज ट्राइंग टू बी क्वाइट बिकॉज ही वॉज स्लीपिंग। तो लेकिन फिर मुझे नहीं समझ में आया, फिर स्टिल एक घंटा फिनिश कर दिया, मैं रोती रही। और उसके बाद फिर भी जब वहां पर नर्वसनेस थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना नीचे जाकर लॉबी में बुक पढ़ती हूँ। तो आई टुक माई बुक और वाटर बॉटल एंड मैं होटल की लॉबी थी, नीचे वहाँ काउच पड़ा था, तो एक घंटा मैं वहाँ बुक रीड करती रही। लेकिन तब भी मैं अपने जो मेरा इमोशंस था, जो मेरी फीलिंग्स थी, उनको प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसा क्या फील कर रही हूँ, मतलब क्या, क्यों ये सैडनेस है, क्यों मैं रोना चाह रही हूँ, राइट। तो मैं मतलब एक घंटा बुक पढ़ के फिर आई, लेकिन स्टिल दैट फीलिंग वॉज देयर। तो उस समय तक लाइक करीबन 1 बज रहा था। तो उसके बाद कब मैं फिर मैं सो नहीं सकी। तो फिर मैंने क्या किया, लाइक आई वॉज ट्राइंग टू नम माई इमोशंस। तो मैंने फोन पे ही कुछ इधर उधर के वीडियोज वॉच करने लगी। फ्रेंड सीरियल है, उसकी मैंने पता नहीं कितने एपिसोड वॉच कर ली। और जब मैंने फोन देखा तो इट वॉज 3 o'clock एंड मेरी आईज दुख रही थी और शरीर दुख रहा था, बट मतलब पूरे शरीर में पेन हो रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं लेटे लेटे पता नहीं कब देखते देखते वो सो गई। और सवेरे उठी तो स्टिल दैट फीलिंग वॉज लिंगरिंग देयर। तो मैंने शॉवर लिया अपना, हमने तो इट वॉज संडे, इट वॉज डे टू लीव, लेकिन सब लोग ऑटवा चले गए घूमने। तो हमने अपना सामान पैक किया एंड माई हस्बैंड हैड टू कम बैक। तो हम लोग वापस आ गए और करीबन वापस आने में कुछ ट्रैफिक था और माई हस्बैंड हैड टू स्टॉप बाय एट फ्यू प्लेसेस। तो हम लोग वहाँ एस्टिमेट के लिए रुके। तो आते आते घर में 5:30 बज गए। रास्ते में भी हमने ज्यादा बात नहीं करी, स्टिल आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं ऐसा क्यों फील करी हूं। लेकिन मैंने कोई ड्रामा नहीं क्रिएट किया, कोई सीन नहीं क्रिएट किया। आई डिड नॉट शेयर माई फीलिंग्स विद एनीवन, क्योंकि मुझे अपने आप ही क्लियर नहीं था कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ, क्यों इतना डाउन फील कर रही हूँ। आई जस्ट नीडेड एट दैट टाइम, ओनली थिंग आई नीडेड वॉज स्पेस, मुझे वो स्पेस चाहिए था बस। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैं सोने चली गई, ऐसे ओके मैं थोड़ा नैप लेती हूँ। तो आफ्टर आई हैड नैप तो वो एनर्जी थोड़ा रिस्टोर्ड हुई एंड देन स्टिल आई वॉज
पजल्ड कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, क्योंकि इन द एंड इट वॉज माई डिसीजन, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तो मैं इतना डाउन क्यों फील कर रही हूँ। एंड राफ्टिंग इज नॉट सच अ बिग थिंग कि वो मुझे इतना पजल फील कराए कि मतलब मैं रोए जा रही हूँ। तो फिर मैं सो के जब उठी तो मैंने कहा चलो कि इस टाइम कि मैं बुक भी रीड कर ली है, आई स्टार्टेड डाइवर्ट, लाइक मैंने इतना कुछ करके देख लिया, लेट मी आई पिक्ड अप माई जर्नल एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। तो देखिए, मैं कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी अनप्रोसेस फीलिंग है, अनप्रोसेस थॉट्स हैं, उसको बाहर आने में, उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने मेडिटेशन किया, मैंने बुक रीड करी, लेकिन तब तक वो सॉर्ट नहीं हुआ। एंड आई वाज जस्ट लाइक वो बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा था, बट आई वॉज नॉट श्योर, लाइक इट वॉज नॉट गुड, लाइक गुड फीलिंग, राइट, इट वॉज नॉट समथिंग पॉजिटिव आई वॉज फीलिंग इन माई बॉडी। तो मैं जब लिखने बैठी तो लिसन कि मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या लिखा है, एंड दिस इज जस्ट आई एम राइटिंग। तो वाई एम आई फीलिंग सो डाउन? सो और कभी जब आप लिखते हो तो लाइक शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आता, आई एम जस्ट कीप राइटिंग, जो भी आ रहा है मेरा हाथ जैसे भी चल रहा है, मैं अपने उसको रीड नहीं कर रही हूँ, कुछ पास्ट टेंस में, कुछ प्रेजेंट टेंस में, कुछ जो भी जिब्रिश जो भी दिमाग में आ रहा है, बस इट्स अ फ्री फॉर्म ऑफ राइटिंग, राइट। तो मैंने लिखा है कि, और उसके बाद जब आप ऐसा करते हो तो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप कभी कभी लिखते हो तो आप अपने जो इमोशंस हैं, जो अनप्रोसेस थॉट्स हैं, अनप्रोसेस फीलिंग्स हैं, उनको उसमें वो आपको हेल्प करता है कि सॉर्ट आउट करने में। तो आपको थोड़े इधर इधर उधर से मैं आपको शेयर करती हूँ। तो पहले मैं लिख रही हूँ, फीलिंग सेल्फ पिटी, फीलिंग लेस फॉर्चुनेट, क्राइंग एंडलेसली 3-4 आवर्स, डाइवर्टिंग माई अटेंशन बाई रीडिंग बुक, वॉचिंग टीवी एंडलेसली टू नम मी, माई बॉडी इज फुल ऑफ पेन, आई एम फीलिंग लिम्प, माई ब्रेथ इज शैलो, आई एम फीलिंग, आई एम पिटिंग माई सेल्फ, आई एम फीलिंग लोनली, आई एम नॉट एबल टू सॉर्ट, हाउ एम आई फीलिंग, I was all over the place. I don't feel like talking to anyone. और वैसे जब मैं बोलती हूँ तो हिंदी में बोलती हूँ, I'm more comfortable in Hindi. और जब मैं लिखती हूँ तो I'm more comfortable writing in English. I don't know ऐसा क्यों है। तो देखें, आई एम फीलिंग दैट इफ आई टॉक टू समवन आई विल बर्स्ट इन टू टीयर्स। तो मैं क्यों नहीं बात करना चाह रही थी कि मुझे लग रहा था अगर मैं किसी से बात करूंगी तो आई विल स्टार्ट क्राइंग, और जो कि मेरे जो प्रोसेस हैं वो अभी, जो थॉट्स हैं वो अभी तक प्रोसेस नहीं है, तो मैं किसी से क्या शेयर करूंगी, राइट। सो आई हार्डली स्पोक टू माई हस्बैंड ऑन 5-6 आवर्स जर्नी होम, आई एम सैड, I felt very bad about everyone leaving. It's not about drafting. It's just everyone leaving me. So see, it's not about drafting. It's about everyone leaving me. When I started writing, I just started finding out why I'm feeling this way, right? तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ. Everyone came back and told me how nice would it be if I was there. They felt bad for me out of love. I'm not sure why my heart started sinking listening to people's pity words. Next day I left early alone the hotel. I did not have energy to face people, but I was not able to figure out what's the big deal about missing a mere rafting. Why I am feeling the way I am feeling. I did not share my feelings with anyone because I am not able to understand my feelings. I'm feeling I am not loved, I am unfortunate, I am not worthy, I'm feeling so low, I don't have energy to put a mask, I can't numb myself anymore. So see, मैं कुछ चीज को रिपीट ही करे जा रही हूँ, but that's how you figure out how you're feeling deep down. Why am I feeling the way I am feeling? Probably it has to do with my inner child, my inner child. Child in me is feeling neglected and less fortunate. See where it comes. It's my inner child. Child in me is feeling not worthy. Child in me is confused, very confused. We all have child in us. It is my childhood wound. I don't have energy to pick the phone calls or to answer the phone calls or text messages. Child in me is wounded and needed support. Child in me needs love and compassion. See how I'm switching in the sentence, but it doesn't matter ki main kya likh rahi hu, lekin usse main figure out kar rahi hu. Child in me needs to know that it is completely normal to miss little thing like rafting. I am loved, I am supported. Aur see uske baad main kya likh rahi hu. Dear child, dear Manu, you are beloved child of the universe. You are fully supported, you are loved, you are guided, you are healed, you are completely healed. Dear Manu, you are healed, you are supported, you are loved, you are worthy.
तो देखिए इसमें कि जो मेरा जो मैं ऐसा फील करी थी वो मेरा इनर चाइल्ड का वूंड था। मैं इसको पूरा तो नहीं रीड करूंगी, तो लेट मी जस्ट रीड कि क्या हुआ कि तो मैंने तब जाके इसमें जो बाकी लिखा है कि जब मैं छोटी थी तो अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो मैं बस एक बार पूछती थी, अगर आंसर इज नो तो मैं कभी उसको आर्ग्यू नहीं करती थी या उसको उसके लिए जिद नहीं करती थी कि मुझे यही चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे किसी चीज का बहुत मन होता था तो मैं अकेले जाके रो कर अकेले बैठ कर रो के फिर आके आई वॉज नॉर्मल कि मैं हंसने लगती थी, राइट। तो वही जब मेरा ग्रेड 12 हुआ, मेरी मैरिज हो गई, सो आई वॉन्टेड टू गो टू BSc एंड आई वॉन्ट टू BA, राइट। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं आप BA करो तो सही रहेगा क्योंकि आप इतना टाइम नहीं रहेगा कि BSc पढ़ने के लिए। तो आई सेड ओके टू देम एंड देन आई लाइक वो मैं सारा लिख रही हूँ कि उस समय कैसे मैं क्राई करती थी कि नहीं मुझे वो करना है, लेकिन आई नेवर ओपनड अप। तो वो सारे जो इमोशंस है कि मैं कैसे अपना जब मैं लाइक हाउ आई फील लेस फॉर्चुनेट, जब ऐसी चीजें होती है तो हाउ आई फील लेस फॉर्चुनेट। सी देन आई एम राइटिंग मनु आई सी यू हाइडिंग लव, इज सेफ फॉर यू टू कम आउट एंड शेयर योर फीलिंग्स, इट इज कम्प्लीटली ओके, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, यू डोंट नीड टू हाइड बिहाइंड दैट वेल, यू आर लव्ड, यू आर सपोर्टेड, यू आर हीलिंग। मनु इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील डाउन, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल टू फील द वे यू आर फीलिंग, कम आउट एंड शेयर विद द वर्ल्ड हाउ यू आर फीलिंग, यू आर बिलवर चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर सपोर्टेड, ओपन अप एंड शेयर। सी ये सारा मैं कॉन्शियसली नहीं लिख रही हूँ, ये सब मैं बस लिख मैं रही हूँ लेकिन डायरेक्टली मैं नहीं लिख रही हूँ, आई वॉज नॉट प्रोसेसिंग ऑल दिस, इट जस्ट हैपनिंग। जब मैं लिख रही थी तो वो बस मेरा पेन ही मूव हो रहा था और ये मैं आई डोंट नो क्यों ऐसा लिख रही हूँ, लेकिन मैंने लिखा। और देखिए डियर मनु डियर चाइल्ड, इट इज ओके टू फील हर्ट, इट इज ओके टू फील दैट यू आर नॉट लव्ड बट यू आर लव्ड, you were loved, you are loved, you will be loved and supported. I, Manu, now sending a lots of love. See, जब मैंने इतना लिख लिया तो उसके बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील होने लगा और कि मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज समवन, कोई यहां पर है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद सी उस समय तक मैं हैप्पी हो गई। तो उसके बाद देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, आई मनु नाउ सेंडिंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड अबंडेंस टू माई फ्रेंड्स, I, Manu, now sending a lots of love and abundance to my husband, my kids, my parents, my brother, to my family. I, Manu, is a divine being under divine guidance. If I did not get to go, it was divine idea. I fully trust. I surrender to divine plan. I am loved. I am loved. I am loved. I am loved. I am living a life full of joy and peace. Now I take a deep breath in and I take a deep breath out and release all the negativity. Now I take another deep breath in and I breathe out all the doubts. Now I'm ready to receive love, abundance, peace. Yes, I am fully ready. So it is from divine theme. तो कभी कभी आप अगर कंफ्यूज हैं अपने थॉट्स के बारे में तो उसको आप मेडिटेशन आप मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक टेक्निक काम नहीं करती है तो आप मेडिटेशन करें, लिखने से अगर आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं लिखें तो। लेकिन मुझे मैं क्या करती हूँ इन माय केस, आई डोंट शेयर राइट अवे विद पीपल, क्योंकि क्या होता है कि जब आपका जो इमोशंस जो आपके थॉट्स हैं वो खुद में ही प्रोसेस नहीं है तो आप लोगों से जो भी शेयर करते हो वो कभी कभी ड्रामा बन जाता है, कभी कभी सीन बन जाता है, राइट। और जब मुझे ही नहीं पता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ तो मैं लोगों से जो शेयर करूंगी वो एकदम सीन बन जाएगा। लेकिन इसमें किसी की तो कोई गलती नहीं थी, इट वॉज जस्ट माई अनप्रोसेस थॉट, राइट। तो और उसके बाद मैं आपको दूसरे दिन और मैं उस रात फिर नीचे आई, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी बाय द टाइम कि वो सारा सॉर्ट आउट था, तो सॉर्ट आउट हो गया था मेरे अंदर कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ कि आई फेल्ट लेस फॉर्चुनेट एंड इट्स ड्यू टू माय इनर चाइल्ड, जो मेरा इनर चाइल्ड था वो वुंडेड फील कर रहा था कि वो फील कर रहा था कि आई एम नॉट लव्ड। तो बाय द टाइम आई फेल्ट कि जब मैंने लिख लिया तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि नो आई एम सपोर्टेड, आई एम लव्ड। तो मैं नीचे गई, मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपना इमोशन शेयर किया, जो कि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि देयर वाज ओनली वन प्लेस, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट गोइंग। लेकिन मैंने उनको फिर बताया एंड ही वाज फाइन, लाइक उनको नहीं पता था तो बताने से क्या वो मेरा थोड़ा दिल हल्का हो गया, लेकिन मैंने कोई ड्रामा या सीन क्रिएट नहीं किया, आई जस्ट शेयर्ड इट विद हिम। और सवेरे उठ के मैंने नॉर्मल डे बिगिन किया एंड आई वाज फीलिंग कम्प्लीटली नॉर्मल, ईच सेल इन माई बॉडी वॉज रिजुविनेटेड। And then the funny thing is, I withdrew a card from my oracle deck. This is my oracle deck. It's the rose oracle. And see the जो भी मैंने card withdraw किया सवेरे तो क्या card आ रहा है,
द चाइल्ड विद इन इनर मदर इनोसेंस जेंटलनेस टेंडरनेस. तो इट हैज टू लाइक, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या है इनर चाइल्ड विद इन. तो जो कार्ड भी आया है वो भी इनर चाइल्ड से ही रिलेटेड आया है. तो समटाइम्स दीज थिंग्स आर वेरी लाइक मैजिकल कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं. तो क्या है इनर चाइल्ड? अभी मैंने कॉन्टेक्ट्स पहने हैं तो मुझे पास का इतना क्लियर नहीं दिख रहा है. तो इनर चाइल्ड, ओ द चाइल्ड विद इन, ओके. जितना मैं हरी कर रही हूं उतना ही मुझे, ओके, पेज 68, द चाइल्ड विद इन, सॉरी. ओके, तो देखिए कार्ड क्या कह रहा है. वी कैन बी सो हार्ड ऑन आवर सेल्व्स एक्सपेक्टिंग टू हील अकॉर्डिंग टू अ स्केड्यूल एंड बीटिंग आवर सेल्व्स अप व्हेन वी मेक अ मिस्टेक. द रोज वांट्स अस टू रिलीज ऑल हार्डनेस फ्रॉम आवर बॉडीज एंड ऑल हर्ट फ्रॉम आवर सेल्व्स. To find a way to soften, to remember that no matter what has happened, is happening or will happen, we are all innocent children of the stars and earth. The flowers are here for us. They are a safe, soft place to remember. They want you to nurture the child within. See, कितना accurate message आया कि मतलब इनर चाइल्ड, जो मेरा इनर चाइल्ड उस समय मांग रहा था, लाइक जो लव, जो केयर, जो सपोर्ट उस समय मांग रहा था, एंड इट वाज ऑल सेंट बाय द डिवाइन. एंड तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जो भी थॉट है, प्लीज 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 उसे पूरा प्रोसेस करें, बीच में नहीं छोड़ें, उसे सप्रेस नहीं करें उसको. क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में, एज अ चाइल्ड क्या होता है, हमारी बहुत सारे इमोशंस, हमारी जो बॉडी है उसकी प्रोग्रामिंग, कैसे हम अपने इमोशंस को, क्या थॉट्स को प्रोसेस करते हैं, फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हमारी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग है कि हम उससे, मतलब हमने उसको बचपन में कैसे प्रोसेस किया है, और हम ऑटो पायलट में उसी तरीके से एडल्टहुड में भी उसको वैसे ही प्रोसेस करते हैं. तो कभी कभी अगर आप क्राई फील कर रहे हैं कि आपको मतलब रोना आ रहा है, तो प्लीज पूरा रोए, सिट विद योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ स्पेस, अपने को स्पेस दें, अकेले बैठें, मेडिटेशन करें, लाइक नैप्स ले लें, उसको मतलब उसको पूरा फील करें, उसको सप्रेस नहीं करें उसको. लाइक बचपन में होता था, जब ऐसा होता था तो मैं राइट अवे जाके रो के स्माइल पुट ऑन करी और आई वॉज फाइन, राइट. तो आई नेवर, कि मैंने उन थॉट्स को कभी प्रोसेस नहीं किया. तो आपको अगर अब हम एडल्ट्स हैं, तो हम द वे टू हील, हम कैसे अपने को हील कर सकते हैं, उन थॉट्स को, उन प्रोसेस को, उन फीलिंग्स को फुली फुली प्रोसेस करके, तो आप उसके डीप रूट तक पहुंचे. और जो भी आप फीलिंग कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, उसको पूरा फील करेंगे. इफ यू आर फीलिंग सैड, राइट अवे डोंट उसको हैप्पी से, हैप्पीनेस से रिप्लेस करें, नहीं, उसको उसको पूरा पूरा प्रोसेस करें. आपको ड्रामा या कोई सीन क्रिएट करने की या नेगेटिविटी फैलाने की या गॉसिप करने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ आप उसको अपनी बॉडी में, अपने अंदर, अपने माइंड में, लाइक अपनी सोल में उसको प्रोसेस करें, और अपने ईच सेल से जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर दें. इट्स अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग. और उससे क्या है कि दैट्स द वे हाउ वी हील आवर सेल्फ. दिस इज कॉल्ड इनर वर्क, राइट. जहां पे आप अपने अपने साथ बैठ के, अपने साथ बैठ के उन चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं. तो आई होप आई मेक सेंस. आप एक बार ट्राई करें इसको. और या आई लव यू लोड्स एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.